हेलो, कैसे हैं आप? मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? और यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं शो करूंगा कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस, और उसके थ्रू मैं ट्राई करूंगा कि वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था अबाउट टू दी बार मैग्नेट और फील्ड लाइन के बारे में। मैं आपको बोल रहा था कि ये एन से एस की तरफ को चलती है, इस तरीके से एन से एस की तरफ को चलेंगी। और फिर मैं बाद में बोल रहा था कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, आप कनेक्ट कर दें किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट ये की और इस टाइप से, ये कोई बैटरी है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये डीसी बैटरी हुआ। इसके साथ कनेक्ट कर दिया, आपको पता है कि प्लस से इस तरीके से ये करंट चलती है, प्लस से चलेगी इस तरफ को, ठीक है, फिर इसमें इस तरफ को चलेगी। तो अब क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ से जब करंट चलेगी, तो अगर यहाँ आप एक कंपास लेके आ जाते हैं, इसके पास में ये कोई कंपास है, उसमें ये नॉर्थ और इस तरीके से ये निडल होती है, तो ये ऐसे घूमती है, तो ये एक्सप्लेन करती है कि भाई अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, एक्चुअली वो इस तरीके से हुआ। अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो अब हम लोगों को ये बताना है और ये देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट? ऐसे तो वो राइट हैंड थंब रूल से पता लग जाएगा कि आपका ये जो फिंगर की, आप अंगूठे को अगर इस साइड में रखें, थंब को इस साइड में, जिस ये वायर जो गया हुआ है, और तो जो ग्रिप होगी ऑफ द फिंगर्स की, उसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट? तो यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा, राइट? तो देखते हैं। यस, ये हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है और ये मैं फैट सिमुलेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ ये एक बार मैग्नेट है, राइट? ये जो रेड कलर है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है और ये जो व्हाइट कलर है वो साउथ को इंडिकेट करता है। ऐसा ही ये जो कंपास है, इसमें रेड कलर जो होगा वो नॉर्थ के लिए होगा और व्हाइट कलर जो होगा किसके लिए होगा? साउथ के लिए। ये जो फील्ड यहाँ आप ये जो देख पा रहे हैं छोटे छोटे से, ये भी कंपास हैं लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इसमें भी रेड कलर क्या है? नॉर्थ। व्हाइट कलर क्या है? साउथ। ओके, लेट्स टेस्ट इसको कि ये हम लोगों का यहाँ बार मैग्नेट रखा है, तो अब देखते हैं कि ये कंपास किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं स्ट्रेट चलता हूँ तो ये अभी ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, राइट? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे भी जो है ये रेड और ये वाइट, तो वाइट अभी भी इसी साइड में है और रेड है किसके साइड में? ये साउथ। तो यहाँ क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, ये साउथ और ये नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। अब लेके चलते हैं मैग्नेट, ये अपना कंपास इस थोड़ा सा इस साइड में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो चुका है। और अगर मैं फर्दर इस तरफ को चलूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये अभी भी जो नॉर्थ पोल है इसका कंपास का, वो इस तरीके से होने लगा है उल्टा, राइट? तो ये अब ये आपका साउथ है और इधर ये नॉर्थ है, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ने, तो ये जो अभी यहाँ चेंजेज आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली फील्ड लाइन को इंडिकेट करता है। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक कंपास बार और एक ये मैग्नेटिक बार लेके और एक ये कंपास, तो आप कहीं भी किसी भी कितनी भी दूर पॉइंट पे हैं और जब आप किसी भी एंगल से मैग्नेट की तरफ को चलते हैं तो वो एक फील्ड लाइन बेसिकली इंडिकेट होंगे। तो एक फील्ड लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरी फील्ड लाइन ये लाइक दिस, राइट? तो हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलती है, तो ये पहली फील्ड लाइन, फिर ये दूसरी फील्ड लाइन, फिर ये तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, लाइक दिस। तो ये कर्व शेप आप देख पा रहे होंगे इधर, और जो ये बिल्कुल स्ट्रेट गए हैं, राइट? तो ये तो हुआ बार मैग्नेट और कंपास का बिहेवियर। यहाँ अगर फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोग देखना चाहें कि फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेंज हुई है, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जी जो लिखा है गोस, तो मैग्नेटिक फील्ड को गोस में मेजर करते हैं। एक्स वाई कंपोनेंट गिवन है,
राइट right? तो इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी में कितना होगा, लेकिन जब मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा तो अब इसके एक्स और वाई पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, राइट right? तो अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसके अभी पोलरिटी चेंज कर दूंगा तो क्या चेंज होगा, तो ये पोलरिटी चेंज कर दिया, अब नॉर्थ इधर आ चुका है, तो अब आप देख रहे हैं बी एक्स बी वाई निगेटिव हो चुका है, नॉर्थ ये साउथ था वाइट कलर का, रेड कलर नॉर्थ, फिर पोलरिटी चेंज करते हैं, ये अब ये साउथ इधर आया तो ये भी घूम के नॉर्थ इधर आ चुका है, यहाँ पे प्लस प्लस है, राइट right? तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं तो वो अब पोलरिटी चेंज की थी कि बार मैग्नेट को इधर रख दें इस तरीके से, ये तो ये पोलरिटी चेंज करने से जो है आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट right? और उसको हम निगेटिव या पॉजिटिव की फॉर्म में बोल, थोड़ा सा और एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। अभी अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है और किस तरीके से जो है वो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या मैग्नेटिक फील्ड को जो है शो करते हैं, राइट right. ये एक पिकअप क्वाइल है, ये क्वाइल है यहाँ पे आपके पास में, ये बार मैग्नेट है, तो अब क्या है कि इस बार ये जो आपका क्वाइल है इसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर वो चेंज होगा तो ये बल्ब में लाइट आएगी, राइट right? उस अभी ये देखते हैं, राइट right? जैसे ही मैं इस क्वाइल के पास जाता हूँ अभी ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट right? तो अगर फील्ड लाइन हम लोग देख लें तो फिर क्या है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस क्वाइल के अंदर से निकल रही है, जैसे कि पहली वीडियो में भी मैं बताया था, और इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो एसोसिएटेड है विद दी क्वाइल, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्वाइल से निकल रही है वो चेंज हो रही है, राइट right? उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उनके चेंज होने से क्या होता है, ये फैराडे लॉ है एक्चुअली, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, आप देख रहे हैं कि एक शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाती है ये, राइट right? लेकिन ये आपका बल्ब तभी जलेगा जब ये जो है बार मैग्नेट मूव करता हो, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक रहे और ये बल्ब जल जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं अभी ये रख चुका हूँ यहाँ पर बार मैग्नेट, तो बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मूव करूँगा जैसे कि बार मैग्नेट या ये कॉयल, तो ये बल्ब जलेगा, तो या तो हम कॉयल को चला सकते हैं, राइट, या फिर हम बार मैग्नेट को चला सकते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास हुई है क्वाइल के, इसको क्वाइल बोलते हैं ये, यहाँ तो एक ही क्वाइल यूज किया है, एक लूप यूज किया है, अगर मैं दो लूप यूज कर लूँगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, राइट तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्वाइल के वो उसका जो है अफेक्ट पड़ता है लाइट पे, इसका मतलब ईएमएफ वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ध्यान रखिए कि केवल या तो आप बार मैग्नेट चलाएंगे या फिर क्वाइल चलाएंगे, इसको आप स्टैटिक रख दीजिए ऐसे, अब इसको मूव करिए, तो मूव करने से क्या बल्ब जल रहा है, जल रहा है, क्योंकि अब भी जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, एक टर्न इसके अंदर और बढ़ा दिया है, अब इसको चेक करते हैं, ये देखिए अब और ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है, और ज़्यादा फ्लक्स वहाँ पे चेंज हो रहा है और उसकी जो वैल्यू है ईएमएफ की और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये दो केस हैं इस तरीके से। आप बल्ब की जगह जो है यहाँ आप एक वोल्टमीटर भी रख सकते हैं, उससे आप जज कर पाएंगे, राइट, कि भाई किस तरीके से ये आपका ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, राइट। अब तो इलेक्ट्रॉन भी आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और ये कोई रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। तो ये सब पॉइंट थे। अगर मैं इस लूप, ये जो क्वाइल है इसका एरिया बढ़ा दूं और तो कोई फर्क पड़ेगा, यस, आप देख रहे हैं कि लाइट पहले से भी ज़्यादा है क्योंकि अब और ज़्यादा फ्लक्स उसके थ्रू पास हुआ है। तो इस तरह की से आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंसेप्ट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को,
एक पर्टिकुलर एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई हुई है वो एक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट से क्या होगा, जनरेट होने से क्या होगा, ये जो दो एंड है ना इस कॉइल के, एक तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर एक ये जो दूसरा बचेगा, इसके बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर रख देंगे तो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। तो ये पॉइंट हुआ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फील्ड मीटर लगा के कि कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, राइट। ये आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बी चेंज होता है, राइट। बी चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। तो ये सिंपल कंसेप्ट हुआ, इसको फेराडे लॉ बोलते हैं, और ये उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स और उसके साथ आपने देख लिया कि कैसे उसमें ईएमएफ जनरेट हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली ये आप की जो कॉयल थी, इसको अगर दोनों एंड अगर आप इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो वो जो कंडक्टर है, वो जो कॉयल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो बार है उसके जैसे बिहेव करती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ इस टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा गया है और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से हुआ है जैसे किसी बार मैग्नेट से, ये सारे रेड कलर के नॉर्थ थे तो नॉर्थ इस साइड को है, और वाइट जो था वो साउथ इधर को है, राइट। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ एक वोल्टेज के रेस्पेक्ट में या करंट के रेस्पेक्ट में, राइट, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है, राइट। अगर मैं इस डीसी जो बैटरी है ये, इसकी जगह अगर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स करूंगा तो क्या होगा, आप ये देखिए कि अब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स एसी जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक साइकिल में क्या होगा, हाफ पॉजिटिव होगा हाफ निगेटिव होगा, तो उससे क्या होगा, पोलरिटी चेंज होती रहेगी। आप ये देखिए यहाँ पे एक बार वाइट एक बार रेड, एक बार वाइट एक बार रेड। तो इस तरह अगर आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी पोलरिटी चेंज होती रहेगी, दैट मीन्स कि वो आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा, राइट। अब मुझको नहीं पता आप बच्चे लोगों को ये बात समझ आ रही है कि या नहीं आ रही है, लेकिन अभी ये मैं किसी उसमें दिखाऊंगा जो वीडियो में, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी और इंक्रीज कर दूंगा तो आप ये देखना कि ये कितने फास्ट से अभी हो रहा है, राइट। थोड़ा इसको अब इस वे में देखिए, अभी ये स्लो कर दिया है करंट की फ्रीक्वेंसी, तो आप ये धीरे धीरे होगा, पोलरिटी धीरे धीरे चेंज होगी। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूंगा तो ये आप एकदम देख रहे हैं कि अभी ये रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, तो ये जब जब पास पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना बोलते हैं। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगा, अभी मैंने एम्पलीट्यूड घटाया है तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे है अभी भी, राइट। अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो ये फिर फास्ट हो जाएगा, इसका मतलब करंट का एम्पलीट्यूड भी मैटर करता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो अभी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब करंट एसी हो या डीसी हो और किसी क्वायल के साथ में, लूप के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट था, तो अब आप देखिए इससे पोलरिटी चेंज हो रही है फील्ड की, यहाँ पे हाफ साइकिल में वो नॉर्थ डायरेक्शन बन जाता है और हाफ साइकिल में वो साउथ डायरेक्शन बन जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट है। और ट्रांसफार्मर का देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। अगर आप इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और शायद आपको आई डोंट नो कि ये जो कंसेप्ट है अभी क्लियर है या नहीं है, बट इन दिस पिक्चर इन दिस वीडियो माई पर्पज वॉज टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेट एंड कॉयल, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। अगली इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर का एप्लीकेशन ऑब्जर्व करेंगे।